बाबा भीमराव अंबेडकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की खास बात यह थी कि इसमें पूरे भारत से अलग अलग जाति के और धर्म के लोग, हर उम्र और हर वर्ग के लोग अपने दिलों में आज़ादी का सपना लिए जान कुर्बानी करने को तैयार थे। इन तमाम पवित्र भावनाओं, साहस और कुर्बानी के जज्बे का केवल एक लक्ष्य था, पूरे भारत में अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता छीनकर भारतीयों के हाथ में देना। अंग्रेज़ों के जुल्म के शिकार लोगों को भावनात्मक रूप से एक सूत्र में पिरोकर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच बाबा साहब अंबेडकर ने आकर स्वतंत्रता की इस लड़ाई को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता छीनकर भारतीयों के हाथ में वापस लाने के सपने को एक और बड़ा सपना बनाकर लोगों के लिए दिल में बिठाया। बाबा साहब ने कहा कि छुआछूत गुलामी से बदतर है। बाबा साहब की आवाज़ में हर उस भारतीय ने अपने दिल की आवाज़ सुनी जिसने पीढ़ियों से छुआछूत और जातिगत आधार पर ऊंच नीच का दर्द झेला था। बाबा साहब अंबेडकर बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन स्कूल और समाज दोनों में उन्होंने अपनी जाति के कारण लगातार अपमान झेला। संकल्प के धनी बाबा साहब ने तमाम अपमान के बावजूद अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया। बाबा साहब जब स्वदेश लौटे तो भारत अंग्रेजों के जुल्म से कर्रा रहा था और स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां पूरे देश के कोने कोने से उठ रही थी। उस समय बाबा साहब ने लोगों के मन में यह विचार डाला कि अगर स्वतंत्र भारत में भी जातियों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होगा तो यह स्वतंत्रता अधूरी होगी। बाबा साहब ने इस बारे में नेताओं को जागरूक किया और संगठित किया, लेख लिखे, चर्चाएं की और देश की एक बड़ी आबादी के मन में यह विश्वास पैदा किया कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के सपने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सपने में एक ऐसा हिंदुस्तान है जहां किसी को छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा। बाबा साहब के इन प्रयासों से देश की आबादी का वह हिस्सा भी इस आंदोलन में शामिल होता चला गया जो केवल सत्ता की लड़ाई के रूप में दूर से देख रहा था। यह बाबा साहब का प्रयास ही था कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसकी प्रस्तावना में ही वह बात जोर शोर से लिखी गई जिसका सपना गांधी, भगत सिंह और बाबा साहब जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।